बेकाबू कार ने उड़ाई बाइक, पुल से नीचे गिरकर महिला की मौत, उसका पति जख्मी, सीताबर्डी फ्लाईओवर पर दिल दहला देने वाला हादसा। शक्करदरा पुलिया के बाद उसी तरह का एक हादसा शनिवार रात सीताबर्डी फ्लाईओवर पर हुआ। अनियंत्रित हुई कार के चालक ने रॉन्ग साइड में जाकर बाइक पर सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्नी बाइक से उछलकर सीधे पुल से नीचे जा गिरी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि पति बुरी तरह जख्मी हो गए। मृतक अनीता राजवेल दिलपे, जिनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, जख्मी पति रुजवेल, जिसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है, जो मेवा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। आरोपी कार चालक अकोला निवासी अभिलाष अविनाश मानकर, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है। अनीता और राजवेल मूलतः वर्धा के सर्कल लाइन के रहने वाले हैं। करीब एक सप्ताह पहले ही दोनों नागपुर आए और मानेवाड़ा रोड के जयवंत नगर में मकान किराए पर ले लिया और वहां रह रहे थे। अनीता को आईटी पार्क की एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। दोनों शनिवार की रात 8 बजे के दौरान अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे अपने एक रिश्तेदार के घर। रॉन्ग साइड जाकर उनको टक्कर मारती है और अनीता की मौके पर ही मौत हो जाती है। आसपास खड़े लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन अनीता को सिर में इतनी भयानक चोट लगी थी और उसके पैरों में भी काफी जख्म भरी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दी। घटना की जानकारी मिलते ही सीताबर्डी पुलिस मौके पर पहुंच गई। रूजवेल्ट को उपचार के लिए मेवो अस्पताल रवाना किया गया। इस घटना से फ्लाई ओवर के ऊपर और नीचे हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को रास्ते से हटाकर यातायात सुचारू किया। अभिलाष ने बताया कि वाहन चलाते समय उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था, इसलिए वे वाहन को काबू में नहीं रख पाया। हादसे के बाद वैष्णवी भी पूरी तरह से घबरा गई थी। वैष्णवी के पिता, यानी कि जो आदमी गाड़ी चला रहा था, कार जिसकी कार से एक्सीडेंट हुआ, उसकी जो पत्नी है, उसके पिता पुलिस विभाग में ही काम करते हैं। अभिलाष विदेश में व्यापार करता है। वैष्णवी से मिलने के लिए वे नागपुर आया था। कुछ दिन पहले ही इसी प्रकार का हादसा शक्करदरा फ्लाईओवर पर हुआ था, जिसका वीडियो NNTV ने आपको तुरंत ही वहां से लाइव दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, हम आई बटन पर उस वीडियो का लिंक आपको डाल देंगे। एक बार आप वो वीडियो भी जरूर देखें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे NNTV पर। हर खबर से रखिए आपको बाखबर। NNTV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए।